सब्सक्राइब करें गुड लक फॉर टेक्नीशियन चैलेंज को और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक कर लीजिए ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों आज हम विंडो एसी का वायरिंग डायग्राम के द्वारा सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सीखना। देख लीजिए क्या क्या इसमें पार्ट्स है। पहला है मेन स्विच, दूसरा थर्मोस्टेट, ओ टी पी, कंप्रेसर कैपेसिटर, फैन मोटर, फैन का कैपेसिटर, लोअर मोटर यानी हमारा स्विंग मोटर, लोअर स्विच यानी स्विंग मोटर का स्विच, ठीक है। ये हमारा मेन प्लग है, ठीक है। इसकी वायरिंग किस तरह की जाती है हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हम लाइन ले लेते हैं यहाँ से, पेन चल नहीं रही यार। देखिए मेन जो हमारा जो है जो लाइन आएगी जो ब्राउन तार है ना, ब्राउन, एक मिनट, ब्राउन वायर वो ज़ीरो पे जुड़ जाएगी अपना, ठीक है। और ये एक नंबर से आपकी जो ये जो एक नंबर है, एक नंबर स्विच से पोल से जाएगी आपको लोअर स्विच पे और लोअर स्विच ऑन अप स्विच पे, ठीक है। उसके बाद में ये लोअर स्विच से डायरेक्ट जाएगी फिर यहाँ ये स्विंग मोटर लोअर पे, ओके। अब हम फैन का तीन वायर है, तीनों वायर ये आपके स्पीड के है, हाई मीडियम लो की है, ठीक है। तो ये रेड वायर है और ये येलो वायर, येलो वायर और ये जो है अपना वाइट वायर है, वाइट वायर। दोस्तों जो रेड वायर जो है वो अपना सिलेक्टर स्विच से जो मेन स्विच है वो पाँच नंबर पे जाएगी रेड वायर, ठीक है, पाँच नंबर से जुट गई। ये जो येलो जो वायर जो है वो आपकी छः नंबर पे जाएगी, ठीक है, छः नंबर से येलो में चली गई। और ये चार नंबर जाएगी आपकी वाइट पे, ठीक है। ये हमारा हाई मीडियम लो की है, ठीक है। बच गया हमारे तीन नंबर। अब तीन नंबर जो है हमारे थर्मो स्टेट पर जाएगी जो कि कॉमन पे, इधर कॉमन होता है ये लाइन, ठीक है, ये कॉमन पे आ गई, ठीक है। इधर से लाइन से निकली, लाइन से यानी थर्मो स्टेट से निकला, ठीक है। थर्मोस्टेट निकलने के बाद जाएगा अपना OTP पे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से निकलने के बाद जाएगा हमारा कंप्रेसर पे, ये कंप्रेसर का कॉमन है, ये कंप्रेसर का कॉमन है और ये आपका रनिंग है, ये स्टार्टिंग है, ठीक है दोस्तों। अब कंप्रेसर का तो कॉमन आ गया, अब हमारा रनिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर का देना है, ठीक है। तो रनिंग हम दे देते हैं इधर, स्टार्टिंग आपको डायरेक्ट यहाँ पोल पे देते हैं, ठीक है, ये कैपेसिटर पे हो गई। अब बच गई हमारी क्या, कॉमन वायर, कॉमन। तो कॉमन हम लेके आते हैं यहाँ से, ठीक है,
यहाँ से हमारी कॉमन आएगी, यहाँ पर जुड़ जाएगी, यानी रनिंग के साथ में कॉमन जुटेगी अपनी, ठीक है। उसके बाद में आपकी बच गई फ़ैन का कॉमन और ब्लोवर का कॉमन। तो यहाँ पे ये फ़ैन लोअर मोटर का जो स्विंग मोटर का जो है कॉमन, इस कॉमन में चल जुड़ जाएगी, ठीक है। और एक ये मोटर की जो कॉमन है ये साथ में इसमें जुड़ जाएगी, ठीक है। अब बच गया हमारे फ़ैन के कैपेसिटर के, ठीक है। तो एक जगह स्टार्टिंग ये साइड लग जाएगी कैपेसिटर के एक तरफ, और दूसरी दूसरे पोल पे लग जाएगी, ठीक है। ये हमारा फ़ैन का भी कनेक्शन पूरा हो गया। ये हमारे तीन जो वायर जो है रेड येलो वाइट मेन स्विच पे चले गए, ठीक है। और उसके अंदर कैपेसिटर पे कैपेसिटर भी लग गया अपना, और कॉमन जो है कॉमन से जुट गया, इसकी कंप्लीट हो गई। और लोअर मोटर की भी कंप्लीट हो गई। लोअर मोटर का एक कॉमन में चला गया, एक सिलेक्टर स्विच पे चला गया, जो लोअर स्विच है जो लोअर स्विच पे चला गया, एक यहाँ एक नंबर विंडो एसी का डायग्राम है। लगभग लगभग सारे एसीओ विंडो एसीओ में इसी टाइप की वायरिंग होती है, ठीक है। ये सिलेक्टर स्विच है जो मेन स्विच है हमारा, ये थर्मोस्टेट, ये ओवरलोड, ये कंप्रेसर कैपेसिटर, ठीक है। ये फ़ैन मोटर, ये फ़ैन कैपेसिटर, और ये लोअर मोटर है यानी स्विंग मोटर अपना, ये लोअर स्विच है यानी